पहले समरी देखेंगे हम कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको डिनोट करेंगे हम m, एंड ये क्या होता है dy वाई बाय डी एक्स, ठीक है, dy वाई बाय डी एक्स इसको डिनोट करते हैं हम m, m डिनोट क्या करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम डिनोट करेंगे m डैश से, ठीक है, तो m डैश क्या आएगा माइनस वन अपॉन m, मतलब माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या हुआ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, ये हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश एक्स माइनस एक्स वन। देखो ये m डिनोट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड m डैश डिनोट करता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, m मतलब dy वाई बाय डी एक्स, ठीक है, एंड m डैश क्या आएगा माइनस वन अपॉन m, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखो, सिंपल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश एक्स माइनस एक्स वन। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इस पे नहीं किया, इक्वेशन फाइंड आउट करने में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है। सो फर्स्ट इक्वेशन एग्जाम्पल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर y इज इक्वल टू x 2 - x, ठीक है, एट पॉइंट 2, 0। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें m फाइंड आउट करना होगा, m मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो हम y को रीराइट करेंगे सिर्फ, तो y आया x इंटू टू 2x माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये मिला हमें y, ठीक है। अभी हमें चाहिए dy वाई बाई डी एक्स, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y, ओके, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। सो डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर, सो 2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर इज 2x, तो ये मिला हमें 2 - 2x, ठीक है। तो ये हुआ dy बाय dx, एट पॉइंट क्या है 2, 0, सो dy बाय dx एट पॉइंट 2, 0, इसको हम डिनोट करेंगे m, सो इज इक्वल टू आया 2 - 2x, सो इज इक्वल टू 2 - 2, हम x का पुटअप करने वाले हैं 2, तो ये आया 2 - 4 दैट इज -2, मतलब m मिला हमें -2, ओके। देखो डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx हमने फाइंड आउट किया है, लेकिन हमें एट पॉइंट क्या चाहिए 2, 0, ठीक है, तो dy बाय dx मतलब m हुआ। देखो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो हमने m फाइंड आउट किया, दैट इज हमारा m आया है -2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अभी y माइनस m हमारा आया है -2 एंड x माइनस, अभी ये एक्स वन एंड वाई वन क्या है, ठीक है, तो ये जो हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं देखो 2, 0, तो ये हुआ हमारा एक्स वन एंड ये हुआ हमारा वाई वन, ठीक है। तो वाई वन है 0 एंड एक्स वन है 2, अभी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है, सो y माइनस 0 मतलब y, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। तो हमें x हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, तो ये इक्वेशन आया हमारा 2x प्लस y, ओके, इज इक्वल टू 2।
ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। तो ये हमारा ये हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी देखो यहाँ पे एक मेरी मिस्टेक हो गई है, माइनस टू इंटू एक्स होता है माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू इंटू टू ये होता है फोर, तो इज इक्वल टू आया फोर। मतलब फर्स्ट इक्वेशन मिला हमें टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, ये लिखने में मेरी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा, देखो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो हमें चाहिए m, m मतलब क्या dy बाई डी एक्स, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एट पॉइंट टू ज़ीरो, तो हमें m मिला माइनस टू, तो हमने सिर्फ ये क्या किया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुटअप किया है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश एक्स माइनस एक्स वन, एम डैश मतलब माइनस वन अपॉन m, m हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन m। ठीक है, सो माइनस वन हमारा m आया था माइनस टू, हमारा m क्या आया था माइनस टू। ठीक है, तो हमारा m डैश ये है m डैश, स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम डिनोट करते हैं m डैश, तो हमारा m डैश आया है वन बाय टू, माइनस माइनस कैंसिल। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश एक्स माइनस एक्स वन, तो हमें पॉइंट दिया गया था, पॉइंट था टू ज़ीरो। अभी यहाँ पे भी वैसे ही करना है कि एक्स वन वाई वन ये क्या है टू ज़ीरो और m डैश है वन बाई टू, सो y माइनस ज़ीरो एम डैश इज़ वन बाई टू एक्स माइनस टू, तो y माइनस ज़ीरो y इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स माइनस टू। ठीक है, ये टू यहाँ पे आ गया, सो ये हुआ टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, अभी x पॉजिटिव है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये हुआ ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स माइनस टू माइनस टू वाई। ठीक है, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस है तो माइनस हुआ, तो पहले हमें लिखना है x, बाद में y की टर्म और लास्ट में कॉन्स्टेंट, तो ये हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू और x माइनस टू वाई इज इक्वल टू टू, इसको सिर्फ हमने रीराइट किया है। देखो ये हुआ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है टू द कर्व फोर एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर्टी एट वन टू। ठीक है, नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस नहीं फोर एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर्टी एट वन टू। देखो डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव आएगा फोर एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन वाई स्क्वेयर, एल एच एस को डेरिवेटिव दिया, अभी आर एच एस को दो। ठीक है, सो अभी सेपरेट डेरिवेटिव देंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स स्क्वेयर प्लस डेरिवेटिव ऑफ नाइन वाई स्क्वेयर एंड डेरिवेटिव ऑफ फोर्टी ज़ीरो, उसमें एक्स ही नहीं है तो उसका डेरिवेटिव क्या, मतलब वो हुआ कॉन्स्टेंट, एंड कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है ज़ीरो। देखो फोर इज़ कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इज़ टू एक्स, नाइन इज़ कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर इज़ टू वाई, बट वाई को किया है इसलिए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, अभी हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम लिखेंगे एटीन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एट एक्स, ये प्लस है तो माइनस हो गया, सो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिला माइनस एट एक्स अपॉन एटीन वाई। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा
माइनस फोर एक्स अपॉन नाइन वाई, तो हमें m मिला। लेकिन पहले पॉइंट मतलब पुटअप करने वन एंड टू, तो डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट वन टू, तो ये आएगा माइनस फोर एक्स अपॉन नाइन वाई, सो इज इक्वल टू माइनस फोर। एक्स हम पुटअप करने वाले हैं वन एंड वाई पुटअप करने वाले हैं टू, तो ये आया माइनस फोर अपॉन एटीन। अभी यहाँ पे फिर से डिवाइड करेंगे तो ये आया माइनस टू अपॉन नाइन, तो इसको हम डिनोट करने वाले हैं m, तो m हमें मिला माइनस टू अपॉन नाइन। देखो पहले डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकालने के बाद ये पॉइंट पुटअप कर दो, मतलब x इज इक्वल टू वन y इज इक्वल टू टू पुटअप किया, तो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम m, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एक बार ये वाली स्टेप देख लो। इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब x एंड y टर्म कंबाइन है। ओके, अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो हमें पॉइंट दिया गया है वन टू, तो x वन y वन, तो हमारा x वन हुआ वन, y वन हुआ टू, तो सिर्फ यहाँ पे पुटअप करना है y माइनस टू, y वन है टू, यहाँ पे स्लोप m आया है माइनस टू अपॉन नाइन x माइनस वन। ठीक है, अभी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है, सो नाइन y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वन, तो ये आया नाइन y माइनस एटीन माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, तो ये 2x हमें पहली वाली टर्म पॉजिटिव चाहिए, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का पॉजिटिव, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 1 प्लस 18, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल आया है 2x प्लस 9y, हमने ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, तो ये आ जाएगा 2, सो इज इक्वल टू 20, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 20। फिर से एक बार देख लो, x1 होगा 1, y1 होगा 2, m हमने निकाला है माइनस टू अपॉन नाइन, देखो m आया है माइनस टू अपॉन नाइन, तो सिर्फ ये सिंप्लीफाई करते जाना है वैल्यू पुटअप करने के बाद। अभी हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए पहले m डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। m डैश मतलब क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस वन अपॉन m, सो माइनस वन अपॉन m आया था हमारा माइनस टू अपॉन नाइन। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये आया नाइन अपॉन टू। ठीक है, m डैश क्या आया हमारा, नाइन अपॉन टू। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इट्स y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश एक्स माइनस एक्स वन, तो अभी सेम है कि एक्स वन वाई वन, हमें पॉइंट दिया गया था वन टू, मतलब एक्स वन होगा वन वाई वन होगा टू, तो वाई वन आया टू, एम डैश आया नाइन बाई टू एक्स माइनस वन, सो ये टू इधर आ गया, सो टू इंटू क्या आएगा, वाई माइनस टू इज इक्वल टू नाइन एक्स माइनस वन, सो टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू नाइन एक्स माइनस नाइन, देखो ये पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म इधर शिफ्ट करो, सो ये आया जीरो इज इक्वल टू नाइन एक्स, फिर प्लस है तो माइनस टू वाई माइनस नाइन प्लस फोर, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया नाइन एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नाइन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फाइव, तो ये हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी नेक्स्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, एक्स इज इक्वल टू दिया है वन अपॉन टू, वाई इज इक्वल टू दिया है वन माइनस वन अपॉन टी, वन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टी, वाई इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन टी व्हेन टी इज इक्वल टू टू,
ओके तो ये हुआ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो हम एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टी है, वाई इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन टी है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी आया, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सो डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन टी होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये हुआ डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है वाई, सो डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस वन अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन टी, डेरिवेटिव ऑफ वन इज ज़ीरो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन टी इज माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन टी स्क्वेयर, ठीक है। तो हमें चाहिए डी वाई बाय डी एक्स, सो डी वाई बाय डी एक्स आएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारा हो चुका है, ठीक है। सो डी वाई बाय डी टी, देखो ये था डी वाई बाय डी टी, ये आया वन अपॉन टी स्क्वेयर, ओके, अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी आया माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर, वन अपॉन टी स्क्वेयर कैंसिल, ये इसका आंसर आया माइनस वन, मतलब डी वाई बाय डी एक्स, अभी एट टी इज इक्वल टू टू पुटअप करना है माइनस वन, अभी इसमें टी है ही नहीं तो पुटअप करने की ज़रूरत नहीं, तो ये हुआ हमारा एम, मतलब हमें स्लोप मिला माइनस वन। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड आउट करना है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें y माइनस m तो पता है, m है माइनस वन, अभी x माइनस, अभी हमें x1 एंड y1 फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे गिवन ऑलरेडी दिया गया है कि x इज इक्वल टू है वन अपॉन टी एंड y इज इक्वल टू है वन माइनस वन अपॉन टी, ठीक है, एट t इज इक्वल टू टू। तो देखो हमें इसको बोलेंगे x1, इसको y1, तो t पुटअप करना है टू, तो x1 आया वन अपॉन टू, अभी y1 फाइंड आउट करेंगे वन माइनस वन अपॉन टू, सो वन में से वन हाफ गया तो ये आता है वन बाय टू, मतलब हमें y1 भी क्या मिला वन बाय टू। तो अभी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा टू वाई माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, यहाँ पे भी टू एक्स माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, टू टू कैंसल, तो ये टर्म आ जाती है 2y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन, देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, अभी ये डिनोमेटर में सेम डिनोमेटर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अभी ये नेगेटिव है, सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू वन माइनस का प्लस वन, सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू टू, सो इक्वेशन आया x प्लस y इज इक्वल टू वन, हर एक से टू मतलब डिवाइड करो तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिल जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है, सिंपल है, हमें चाहिए डी वाई बाय डी एक्स, लेकिन x इज इक्वल टू t वेरिएबल है, y इज इक्वल टू t वेरिएबल है, मतलब ये t क्या हुआ पैरामीटर हुआ, तो पैरामेट्रिक फंक्शन के जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी डी टी कैंसिल। अभी नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम है, फोर नंबर का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, अभी इसमें भी क्या करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, हमें एक्स दिया गया है वन अपॉन टी, वाई दिया गया है टी माइनस वन अपॉन टी व्हेन टी इज इक्वल टू टू, ठीक है, पहला वाला एग्जांपल सिर्फ टी के जगह वन था, इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया वहाँ पे, अभी देखो सेम है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो डेरिवेटिव ऑफ टी इज माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर, तो ये हमें मिला डी एक्स अपॉन डी टी। अभी हम वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से,
सॉरी टी से, क्योंकि टी वेरिएबल है. सो डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी. टी माइनस वन अपॉन टी. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन टी. डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है वन, सो डेरिवेटिव ऑफ टी भी होगा वन. माइनस डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन टी इज माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर. माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वेयर. यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आया टी स्क्वेयर प्लस वन अपॉन टी स्क्वेयर. ये है डी वाई अपॉन डी टी. ठीक है, लेकिन हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. सो डी वाई अपॉन डी टी आया टी स्क्वेयर प्लस वन अपॉन टी स्क्वेयर, एंड डी एक्स अपॉन डी टी था माइनस वन अपॉन टी स्क्वेयर. टी स्क्वेयर कैंसिल, तो ये आया माइनस टी स्क्वेयर प्लस वन. तो अभी हमें चाहिए एम. एम है डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट टी इज इक्वल टू टू. सो डी वाई बाय डी एक्स मिला है माइनस टी स्क्वेयर प्लस वन, तो टी पुटअप करने वाले हम टू, दैट इज टू स्क्वेयर प्लस वन, तो यह आया माइनस फाइव. ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला हमें माइनस फाइव मिला है. ओके, अभी यहाँ पे देखो एम मिला है माइनस फाइव, लेकिन हमें चाहिए एक्स वन एंड वाई वन. ठीक है, तो एक्स मिला है हमें ऑलरेडी दिया है वन अपॉन टी, एंड वाई दिया है टी माइनस वन अपॉन टी. तो वन अपॉन टी टी माइनस वन अपॉन टी, टी पुटअप करने वाले हम टू. तो एक्स वन मिला हमें वन अपॉन टू, एंड वाई वन मिला हमें वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू. ओके, तो अभी यहाँ पे देखो एक्स वन तो मिल गया वन अपॉन टू. यहाँ पे मैंने गलती से स्लोप मतलब यहाँ पे टू चाहिए माइनस वन अपॉन टू. टू माइनस वन अपॉन टू आया. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, मतलब वाई वन मिला हमें थ्री अपॉन टू. देखो एक्स वन मिला वन अपॉन टू, वाई वन मिला थ्री अपॉन टू, एंड एम इज इक्वल टू माइनस फाइव. ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है, एक बार देख लो. हमें चाहिए डी वाई बाय डी एक्स. सो डी वाई बाय डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. तो ये मिला माइनस टी स्क्वेयर प्लस वन, बट टी क्या है टू है. तो ये जो डी वाई बाय डी एक्स होता है ये हमारा होता है एम. एम मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला हमें दैट इज माइनस फाइव. अभी चाहिए हमें एक्स वन एंड वाई वन. तो ये जो एक्स है इसको बोला हमने एक्स वन, वाई को बोला वाई वन, और जहाँ पे टी है वहाँ पे हमने टू पुटअप कर दिया. इससे क्या मिला हमें, पॉइंट्स मिले कोऑर्डिनेट. एक्स वन इज इक्वल टू वन बाई टू, वाई वन इज इक्वल टू थ्री बाई टू. सो अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा. y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. सो y माइनस वाई वन था हमारा थ्री अपॉन टू, एम मिला था माइनस फाइव, एक्स माइनस एक्स वन था वन बाई टू. अभी इसको सिर्फ सॉल्व करते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी. टू वाई माइनस थ्री अपॉन टू माइनस फाइव, टू एक्स माइनस वन अपॉन टू. ये टू टू हो गया कैंसिल. सो टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव इंटू टू एक्स माइनस टेन एक्स. माइनस माइनस प्लस फाइव. अभी देखो ये एक्स एक्स नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे. टेन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू आया फाइव प्लस थ्री. तो ये मिला हमें टेन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट. अभी यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो हर एक टर्म को टू से हम डिवाइड कर सकते हैं. टू से डिवाइड, तो ये आया फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर. देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना ईजी है. पहली स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो. ठीक है, फाइंड आउट किया, जो पॉइंट दिया गया है वो फाइंड आउट करो, और उस जो आएगा वो क्या होगा हमारा एम. और एम आने के बाद सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एक्स वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, अगर आपको ये एम पता है तो एम डैश मिल ही जाता है. एम डैश क्या होता है, माइनस वन अपॉन एम. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा सिर्फ वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम डैश एक्स माइनस एक्स वन.